your president's wife. Hey guys, तो मैं स्कूबा डाइविंग के लिए अब वेट कर रहा हूँ रिसेप्शन एरिया में. हो वियतनाम, यू सी हाउ आर यू थिंक यू सिम बे. Sorry, we didn't understand. No, it's Vietnam people. Uh-huh. Yes, it's me. They are very nice people. Very nice. Friendly, yes. Yes. So, man, very handsome, yet? Very nice. See me? Yes. Yeah. Oh my God. You are here, so happy, very happy to today, yeah, right? Your president's wife? Where you from? Mongolia? Mongolia, yeah. Oh, what's your name? Nandia. They are my friends. They serve. Everyone your friend? They serve for me. Okay. President's family. They president. You're a funny man. And we have small boat come in the Grand World. Please take we go in the big boat over there. And in the big boat to the island, we can swim game in that. And only Europe, you can scuba diving or sea workers. You come from and in the gallery man in the boat. I just stop finish. I just say him finish. Okay. Yeah, right? Right. Okay. Yeah. I don't know what show, but I think the sea. Scuba diving also, right? You scuba diving, yeah? Yes. Yes. And hello, are you sea worker? Okay. Yeah, sea worker. Yeah, okay. 길 걸어나면 너. 멋있어, 들으러 만나요. 멋있어. So guys, हम scuba diving point पे पहुँच गए हैं. तो अब हम जा रहे हैं यहाँ की तरफ. गाइड हमें साथ में, तो ये बताएगा कि कैसे क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है. सो लेट्स सी. बहुत ही फनी लोग हैं यार यहाँ पे. ये बंदा साइड पे भी जो मेरे बैठा था बोल रहा था मैं मंगोलिया से, तो बोल रहा था मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ. तो और उसके कुछ फ्रेंड्स थे. तो और जो ये गाइड है यार भाई, ये टसने मेरे को कर रहा था अभी. बोल रहा था दही का बोल रहा था. जब इसने सुना ना इसकी आस में कि क्या ये इंडिया से हो, तो फिर बोल रहा है मेरे को दही पसंद है. तो फिर बोल रहा था कि मैं इंडिया से हूँ. फिर बोला बाद में कि नहीं, मैं यहीं का वियतनाम. Yes, come here. It's Cambodia. 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 Yes, Cambodia. Very near here. So, वहाँ से ये बता रहा है कि कंबोडिया है जो समंदर के बाहर दिख रहा है एंड पे. You guys also from Mongolia? Yeah. Mongolia. Okay. You all are together? Yeah. Oh, okay. तो इस बोट में जाने वाले हैं हम यार. बहुत साफ बीच है यहाँ पे, अमेजिंग. Thank you.
हम स्कूबा डाइविंग स्पॉट पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से शिफ्ट करना है। सो गाइस यहाँ पे तीन तरह के टूर हो रहे हैं अभी। एक तो स्नॉर्कलिंग वाले हैं और दूसरे ये सी वॉक जो करने वाले हैं उनके लिए है, और वो हमारा वाला है जो इसमें ये करेंगे स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग का किट ये वाला होता है और ये सी वॉक वाला किट है सी वॉक के लिए, और स्नॉर्कलिंग के लिए स्नॉर्कल देते हैं। तो हमारे ग्रुप में मिक्स है, कुछ लोगों को स्नॉर्कलिंग करनी है, कुछ को स्कूबा डाइविंग करनी है जैसे मुझे, और बाकी उनको सी वॉक करना है। सो सी वॉक में वो अंडर वाटर वॉक करते हैं और उनको ये लगाना होता है। क्रेजी है भाई ये बहुत ज़्यादा। अब डर लग रहा है बहुत। ओ मैन एयर भर रहा है। Can you shoot me? No. No? Okay.
बिल्कुल मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ। Alright guys, nice to meet you everyone, take care. Okay. Bye, bye, bye. Nice to see you guys. Same here. Hey guys, तो मैं स्कूबा डाइविंग करके वापस आ गया और अभी शार लिया है, कपड़े चेंज कर लिए। अमेजिंग, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि क्या बोलूँ मैं, स्कूबा डाइविंग क्या थी। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने स्नॉर्कलिंग छोड़ के स्कूबा डाइविंग चूज़ की, क्योंकि स्नॉर्कलिंग में आप सरफेस पे रहते हो एंड स्कूबा डाइविंग में आप ओशन के अंदर घुसते हो, पूरा पूरा सरफेस तक जाते हैं। जो क्रेजी चीज़ थी ना, मतलब मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे हम घूमने जाते हैं ना, जैसे बाकी एक्सपीरियंसेस करते हैं या मैं अभी जैसे बाकी चीज़ें कर रहा हूँ, इट्स लाइक कि हाँ बहुत मज़ा आता है, इन्जॉय करता है इंसान, ठीक है। बट ये चीज़ जो थी ना, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मैं पानी के अंदर जब था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, दिमाग में भी नहीं था, सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं था कि मैं अर्थ पे हूँ या किसी, मतलब अर्थ प्लैनेट पे हूँ मैं। मुझे पता था मैं कोई और प्लैनेट पे आया हूँ और मैं पता नहीं कहाँ हूँ। मैं जो सी क्रिएचर्स है उनके साथ, वहाँ पे कोरल्स फ्लोर पे मछलियाँ आ रही है मेरे पास, लाइक क्रेजी मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो फीलिंग जो है ना, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी क्रेजी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक, जिसने भी स्कूबा डाइविंग नहीं की है ना, आपने ये ज़िंदगी नहीं जी है फिर। ये क्रेजी एक्सपीरियंस है जो आपको एक अलग ही, आपकी सोल को ये टच करता है, मतलब आपकी सोल के लिए एक्सपीरियंस है ये। सिर्फ आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो आप, हम कहीं जा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ बाकी कर रहे हैं, या इवन वाटर स्पोर्ट्स जो बाकी करते हैं ना, कुछ भी नहीं है।
भाई बता रहा हूँ मैं, ये चीज़, ये एक्सपीरियंस, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर सोल, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. मुझे 15-20 मिनट एटलीस्ट लगे जब मैं वापस निकला पानी से बाहर, जब मैं फर्स्ट निकला, ये अंडरस्टैंड करने में कि मैं इस दुनिया में हूँ, मैं अर्थ पे हूँ, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, और मेरा, मेरी बॉडी और मेरा माइंड जिस चीज़ से जा रहा था उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में मुझे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स लगे. और मैं वहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बट वहाँ पे मेरा ऑडियो चल नहीं रहा था, तो क्योंकि इमीडिएटली गोप्रो पानी से बाहर आया, काफ़ी टाइम अंडर वाटर था, तो उस वजह से माइक नहीं, जब बाहर आया तो इमीडिएट माइक नहीं चलती है, एटलीस्ट इसको आधा एक घंटा लगता है. ऐसे स्विमिंग पूल में लेंगे तो इमीडिएटली चल जाती है, बट अंडर वाटर बहुत टाइम रहा, आई थिंक 20 feet to 30 feet हम अंदर गए पानी के, समंदर के, तो उसमें काफ़ी टाइम को एक घंटा लगभग मैं 30-40 मिनट्स लगभग मैं पानी के अंदर ही था, तो उसकी वजह से माइक को चली नहीं. उसके बाहर आके मुझे 10-15 मिनट लगे टू ग्रास्प कि हो क्या रहा है, मैं किस दुनिया में हूँ, और मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था. सो, फिर मैं वहीं पे बैठ गया, पूरा उतर ही मैं नीचे गिर गया, मैं बैठा रहा, मैं कुछ बोल रहा था उस टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो माइक पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बट आप वीडियो में आपने देखा होगा. तो अमेजिंग, सीरियसली क्रेजी एक्सपीरियंस था. हाँ, तो स्कूबा डाइविंग का इतना ही, ठीक है. तो अब यार हम रेडी हो चुके हैं, मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ अब, तो थोड़ा सा जो हेड है ना मेरा भी थोड़ा वो प्रेशर, क्योंकि वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सर भारी लग रहा है. सो कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं. इस टाइम पे मौसम बहुत ही क्रेजी है यार, अमेजिंग व्यू, और आसमान पूरा साफ है, क्लियर क्लियर है. तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ और अब हम फिर बाहर निकलते हैं बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए. बट मतलब पूरी लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा. सुपर्ब अंडर वाटर भाई, अलग ही दुनिया है, ट्रस्ट मी.